डॉक्टर ने हॉस्पिटल से तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया है बिट्टू। ये सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। आज हम बता नहीं सकते कि हमें हमें कितनी खुशी हो रही है। काश काश भैया होते तो आज कितना खुश होते ना। नई जिंदगी मुबारक हो बिट्टू। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब मैं बता नहीं सकता कि तुम्हें हमें घर चलना चाहिए। हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, हम नहीं, सिर्फ तुम। बस बहुत हो गया रचना। कितने इम्तिहान दोगी तुम, और अब सिर्फ तुम जाओगी अपने घर बनारस, अपने लोगों के पास, अपने परिवार के पास। अब इम्तिहान की बारी मेरी है। मैं भैया को ढूंढ कर लाऊंगा, मैं उन्हें वापस लाऊंगा। नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है, और रही घर जाने की बात, तो उस घर के दरवाजे हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस घर का कोई भी सदस्य उस इंसान या उसके परिवार वालों से कोई रिश्ता नहीं रखेगा, और अगर रखेगा तो उसे फिर यह घर छोड़ देना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ, पर अब मैं समझ गया हूं कि अपनों के लिए घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। नहीं बिट्टू, तुम गलत हो। एक लड़के के रिश्ते सिर्फ घर के दहलीज तक ही सीमित है, उसके बाद नहीं। अब हम जाकर भी वहां नहीं जा सकते।